मीडियम सर श्री एक साई सर वर्चुअली जुड़े हुए हैं। आप लोगों के लिए मैं सेवा के लिए कटिबद्ध हूँ और चाहते हैं कि अधिकतम हमारे लोगों को यहाँ पर हमारी बैंक से जोड़िए और एटीएम का बेहतर प्रयोग करिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करिए ताकि हम और अधिक क्वालिटेटिव जो हमारा टाइम बचेगा ब्रांच में उस और अधिक सर्विसेज दे पाएंगे। तो सर मैं चाहता हूँ सर आपके ऊपर आपके करकमलों से इस एटीएम का उद्घाटन हो और हमारे कस्टमर्स क्योंकि सर ये स्क्रीन डिस्प्ले वाला मैटर है तो थोड़ा सा अभी जब एड्रेस करेंगे तो सामने आ जाएंगे, अभी एटीएम सामने दिखाई पड़ रहा है। देखिएगा बिहार लाइव न्यूज में आपका स्वागत है, मैं हूं आजाद खान। अभी हम इंडियन बैंक का एटीएम का उद्घाटन था और हमारे साथ सर हैं, सर से हम बातचीत करेंगे। सर आपका नाम क्या हुआ सर? मैं एस के सोनकर, जोनल हेड गया। गया में 10 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, अरवल भी उसी का हिस्सा है। आज हमने अहियापुर अपने अहियापुर शाखा में जो ये शाखा इलाहाबाद बैंक के नाम से 2015 में खोली गई थी, जैसा आप लोग सभी जानते हैं ये इलाहाबाद बैंक इंडियन बैंक में मर्ज हो गया था, तो आज इंडियन बैंक अहियापुर के नाम से शाखा कार्य कर रही है। आज हमने एक और डिलीवरी चैनल जोड़ा है, वो एटीएम के रूप में नया एटीएम स्थापित किया है और उसका उद्घाटन आज हमारे बिहार और झारखंड स्टेट के प्रभारी श्री अमरेंद्र कुमार शाही के करकमलों द्वारा इस वर्चुअल मोड में उनके माध्यम से इस एटीएम का उद्घाटन आज किया गया आप सबकी उपस्थिति में। तो मैं चाहता हूं कि आप इसका पूरा फायदा उठाएं, पूरा उपयोग करें, अधिकतम उपयोग करें ताकि हम और अधिक सेवा देने के लिए हमारी ब्रांच कटिबद्ध है और हमेशा सेवा देने के लिए मैं आश्वासन देता हूँ कि मैं आपको इस तरह से और डिफरेंट माध्यम से और बेहतर सेवा देने का प्रयास करूँगा। इसका पूरा फायदा उठाइए आप लोग। और ये क्योंकि ये एटीएम शाखा के अंदर रखा गया है, शाखा में रखा गया है, ये ऐसा सिस्टम बना हुआ है आरबीआई के द्वारा, यहाँ पर कैश की शाखा कभी नहीं है, कभी नहीं, ये मेरा क्लेम है, कभी नहीं होगा। लेकिन साथ साथ में आपका सहयोग किसी सिस्टम को चलाने के लिए अगर लोग चलता नहीं है स्थापित करने के बाद ही चल पाता है और हम और मोटिवेट होंगे और आपको अधिक सेवाएं देंगे।